स्टैंडर्ड 5 जीके अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। चैप्टर नंबर 19 बर्ड रिडल्स, पेज नंबर 22 निकाला। चलिए, देर आर अराउंड 10,000 लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 10,000 अलग अलग प्रकार के बर्ड्स होंगे। मैनी ऑफ देम आर नेम्ड आफ्टर सम स्पेशल क्वालिटीज दे हैव। उनमें से कुछ कुछ बर्ड्स के नाम उनकी स्पेशल क्वालिटीज की वजह से रखे गए होंगे। अगर हम में ऐसा होता है ना, अगर कोई बहुत अच्छा लगे बच्चा तो हम उसे चीकू बुलाते हैं, जो मीठा मीठा होता है ना चीकू, तो वो चीकू बुलाते हैं हम, है कि नहीं। उसी तरह से वो बर्ड अगर किसी भी चीज़ में या फिर उसके पास कोई अच्छी स्पेशल क्वालिटी है तो उसके ऊपर से उसका नाम रखा गया है। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज टू फाइंड द नेम ऑफ अ बर्ड। आपको ये क्लूज पढ़ने हैं और बर्ड्स के नेम फाइंड करने हैं। यूज द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप यहाँ से क्लू भी ले सकते हैं। चलिए, फर्स्ट, इट्स नेम मीन्स फास्ट और क्विक। इसका मतलब होता है बहुत ही तेज। अब तेज किसको नाम दिया जाएगा? एफ, स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब तेज। ये एक बर्ड का नेम है स्विफ्ट, तो फर्स्ट में आएगा एफ लिखा। नेक्स्ट, इट्स नेम रिफर टू अ पीस ऑफ पेपर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट इज फ्लोन इन द एयर। इसका मतलब है एक पेपर है, उसके नीचे स्ट्रिंग मतलब पूंछ या डोर लगाई है जो कि आसमान में उड़ता है, पतंग के जैसा, क्या बोलते हैं उसे, काइट। काइट भी एक बर्ड का नेम है, तो सेकंड में आएगा ए लिखा। नेक्स्ट, इट्स नेम आल्सो रिफर्स टू अ मशीन यूज्ड फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट। कोई भारी चीज या बड़ी चीज उठाने के लिए जो मशीन यूज होता है वो भी एक पंछी का नेम है। कौन सी चीज है जो भारी चीजें उठाती है? क्रेन। जे, थर्ड में आएगा जे, क्रेन। क्रेन भी एक पंछी का नेम है लिखा। नेक्स्ट, फोर्थ, इट्स नेम ऑल्सो रिफर्स टू एन आर्टिसन हुज ऑक्यूपेशन इज वेविंग। ये एक ऐसे आर्टिसन को बताता है जिसका ऑक्यूपेशन है वेविंग, वेव करना, मतलब लार्क। फोर में आएगा बी, लार्क। ये सारे पंछी के नेम्स हैं। नेक्स्ट, इट इज टू लेजी टू बिल्ड इट्स ओन नेस्ट। ये इतना आलसी है कि वो खुद अपना नेस्ट, अपना माला, घोंसला नहीं बनाता है, अपने अंडों को दूसरे के घोंसले में छोड़ाता है। कौन है वो? कुकू। फिफ्थ में आएगा जी, कुकू लिखा। नेक्स्ट, पोएट्स ऑफन डिस्क्राइब इट्स सिंगिंग बट इट इज नॉट अ नाइटिंगल। कवियों ने इसे सिंगिंग, गाते हुए बताया है, लेकिन ये रात में देख नहीं सकता या फिर रेगुलर हम जैसे कम देख पाते हैं वैसा ही देख पाता है। ये नाइटिंगल नहीं है। कौन है ये? वेवर। सिक्स्थ में आएगा ई लिखा। नेक्स्ट, दिस बर्ड इमिटेट्स द साउंड ऑफ अदर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड इट। ये ऐसा पंछी है जो अपने आजू बाजू में जितने बर्ड है वो और उनके और दूसरे जो इंसेक्ट्स है, जीव जंतु है,
उनके आवाज की नकल कर सकता है? कौन है ये? डी मॉकिंग बर्ड। सेवंथ में आएगा डी लिखा। नेक्स्ट, इट्स नेम इज द होमोफोन ऑफ द टेंथ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट ABCD, उसमें से जो टेंथ लेटर है वो उसका नेम है। कौन सा है टेंथ लेटर? जे। तो एट में आएगा जे, एच। जे उसका नेम है और ऑप्शन नंबर है एच। एट में आएगा एच लिखा। नेक्स्ट, इट्स नेम इज ऑल्सो यूज्ड टू रिफर टू द टॉल पोल्स फिक्स्ड अंडर अ हाउस बिल्ट ऑन अ स्टीप हिलसाइड। घर में बनाए हुए हैं ये पोल्स जिनको ये रिफर करता है हिल साइड के स्टीप्स आजू बाजू चलने के लिए। कौन है ये? स्टिल्ट। नाइन में आएगा सी। नेक्स्ट, इट्स नेम ऑल्सो मीन्स कलर्ड फ्लैग्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन इन सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में वो ट्रायंगल शेप के कलरफुल फ्लैग्स आते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं? बंटिंग। टेन में आएगा के, बंटिंग। इलेवन, दिस बर्ड वुड फाइंड इट्स बीक यूजफुल फॉर स्ट्रिंग टी और कॉफी। चाय और कॉफी को हिलाने के लिए इसकी चोंच यूज कर सकते हैं हम। मतलब कौन सा पंछी है ये? स्पून बिल। स्पून आया ना, चम्मच से हिला सकते हैं तो वो स्पून। तो 11 में आया आई लिखा। सबने सही से लिखा सबने? तो ये सारे बर्ड्स थे जिनको उनकी क्वालिटीज की वजह से नाम दिए गए हैं। आया समझ में? लिखा सबने? चलिए वापस से दोहरा देती हूँ। फर्स्ट में आएगा एफ, सेकंड में ए, थर्ड में जे, फोर्थ में बी, फिफ्थ में जी, सिक्स्थ में ई, सेवंथ में डी, एट्थ में एच, नाइन्थ में सी, टेंथ में के एंड इलेवंथ में आई। लिखा सबने? हो गया सबका? नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 20, एनाग्राम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाग्राम्स? एनाग्राम्स मतलब ऐसे वर्ड जिसके ऊपर से हम दूसरा नया वर्ड बना सकता है उसके लेटर्स को इधर उधर करके। किस तरह से, चलिए देखते हैं। एन एनाग्राम इज अ वर्ड या फिर नेम या फिर फ्रेज और सेंटेंस, ये सारे ऐसे हैं जो फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड। कोई भी शब्द, कोई भी नाम, कोई भी फ्रेज या मतलब कहावत या फिर कोई भी सेंटेंस वाक्य जिनको इधर उधर करके आप नया वर्ड या फिर लेटर या फिर सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, यहाँ पे एक शब्द लिया है लास्ट, एक शब्द लिया है, वो शब्द का नेम है लास्ट, LAST। इसको एनाग्राम करेंगे, मतलब इनके सारे लेटर्स को, लास्ट के LAST ये सारे लेटर्स को इधर उधर हम करेंगे तो हमको नया वर्ड मिलेगा सॉल्ट, SALT। देखिए यहाँ पे लास्ट में भी है LAST और यहाँ सॉल्ट में भी है SALT। चारों के चारों लेटर्स सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है, इसे बोलते हैं एनाग्राम। फील इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एनाग्राम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए हैं उसमें कुछ कुछ वर्ड हाईलाइट किए हैं, उन जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनको हमें एनाग्राम करना है, मतलब उनके लेटर्स को हमें इधर उधर करके नया वर्ड बनाना है। द फर्स्ट लेटर हैज़ बीन फिल्ड फॉर यू।
अगर हमें ना आए या फिर हमें थोड़ा हार्ड लगे तो हमारी हेल्प के लिए हमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर दिए गए हैं हमारे क्लूज के लिए कि इस लेटर से नया वर्ड शुरू होगा, तो क्या होगा वो हम देखेंगे। चलिए साथ में फिलअप करना। ओके, फर्स्ट, टू बी एबल टू लिसन बेटर इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी, अगर कुछ अच्छा सुनना है तो ये जरूरी है, ये महत्व का है कि हम क्या करें। लिसन का एनाग्राम कीजिए तो नया वर्ड मिल जाएगा, LISTN, और हमें यहाँ से एस से शुरू करना है तो लिसन में से बनेगा साइलेंट। अगर हमें कुछ अच्छा सुनना है तो हमें चुप रहना पड़ेगा, अगर हमारा मुंह बंद रहेगा तो ही हमें दूसरे की बात सुनाई देगी, अगर हम ही बोल बोल करेंगे तो दूसरे का कुछ सुनाई देगा नहीं, तो लिसन का बनेगा साइलेंट। एस दिया गया है, आपको लिखना है ILENT। देखिए लिसन के सारे लेटर्स यहाँ साइलेंट में आ गए है ना, तो ये बन गया एनाग्राम। लिखा सबने SILENT, साइलेंट। नेक्स्ट, द ब्रिटिश वी लर्न देम लूड देम सॉरी दे ब्लैंकस, लूड को हमें यहाँ पे एनाग्राम करना है, मतलब रूल्ड, RULED, उन्होंने हम पे रूल्ड किया और हमने उसे उनको भगा दिया, RULED लिखा सबने सेकंड में। चलिए नेक्स्ट, आई कुड सीट ऑन द ब्लैंक एंड फ्लाई विदाउट विंग्स, विंग्स मतलब पंख, मैं इसके ऊपर बैठता हूँ और पंख के बगैर उड़ता हूँ। अब विंग्स के विंग्स विंग से कौन सा वर्ड बनेगा जिससे हम उड़ सके, स्विंग, मतलब जब हम स्विंग पे बैठते हैं तो यहाँ से ऐसे ऊंचा नीचा होता है तो हम उड़ते हैं ना, वो विंग्स, विंग्स का बनेगा स्विंग, SWING, स्विंग लिखा। नेक्स्ट, पॉल द वेटर लव्स पोएट्री सो मच दैट समटाइम्स ही सर्व्स ब्लैंक इंस्टेंट ऑफ द डिश, एक वेटर है जिसे पोएट्री बहुत पसंद है जो कभी कभी सर्व करता है ब्लैंक इंस्टेंट ऑफ द डिश, वेटर को डिश सर्व करनी चाहिए लेकिन ये इसे पोएट्री ज्यादा पसंद है तो ये कभी कभी क्या सर्व करता है, वर्सेस मतलब छंद, लिखिए वर्सेस, सर्व में से बनेगा वर्सेस, VERSES, वर्सेस मतलब छंद, आया समझ में, सर्व्स का बना वर्सेस। चलिए नेक्स्ट, एल्विस इज गॉन, एल्विस चला गया बट हिज म्यूजिक लिव्स, लिव्स आएगा, एल्विस का क्या आएगा, लिव्स, LIVES लिखा। अब पता चला ना एनाग्राम किसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई साउंड लाइक ब्लैंक व्हेन आई प्रोनाउंस द लास्ट टू वोवेल्स टुगेदर, मैं जब लास्ट वोवेल्स साथ में बोलता हूँ तब मैं इसकी तरह साउंड करता हूँ, किसकी तरह, वोवेल्स में से क्या मिलेगा हमें, वोल्स, लिखिए WOLVES, वोल्स, वोवेल्स का क्या बना, वोल्स, आया समझ में। नेक्स्ट, सी ट्राइड, उसने कोशिश की इवन दो सी फेल्ट ब्लैंक, तब तक उसने ट्राई किया जब तक वो क्या हो गई, ट्राइड का क्या बनेगा, टायर्ड, लिखिए TIRED,
ट्राइड का बना टायर्ड, टी आई आर ई डी लिखा. नेक्स्ट, द स्वीट ऑफ हार्डवर्क, द स्वेट ऑफ हार्डवर्क कैन नेवर गो ब्लैंक. स्वेट मतलब पसीना, जो हमने ज़्यादा काम किया है, मेहनत का काम किया है, उसका जो पसीना है वो कभी नहीं जाता. क्या नहीं जाता? वेस्ट नहीं जाता. तो स्वेट का बना वेस्ट, लिखिए डब्ल्यू ई ए एस टी, डब्ल्यू ई ए एस टी वेस्ट लिखा. नेक्स्ट, आई एम ऑन द लास्ट प्लेन टू ब्लैंक. मैं यहाँ जाने के लिए आखिरी प्लेन में बैठा हूँ. अब ये प्लेन का एनाग्राम क्या बनेगा? नेपाल, एन ई पी ए एल. मैं नेपाल जाने के लिए लास्ट प्लेन में बैठा हूँ. प्लेन का एनाग्राम बना नेपाल, एन ई पी ए एल. नेक्स्ट, आई कॉल माई मॉम ब्लैंक. मैं मेरी मम्मी को क्या बुलाता हूँ? मम्मी. ये मम का क्या बना? माई मम का क्या बना? मम्मी, एम यू डबल एम वाई. आया समझ में? नेक्स्ट, योर नेम साउंड कूल. आपका नाम अच्छा साउंड कर रहा है, बट वॉट डज इट ब्लैंक. नेम का क्या बनेगा? मीन, एम ई ए एन. एन ए एम ई का बना एम ई ए एन. मीन मतलब, आपका नाम अच्छा है लेकिन उसका मतलब क्या है? नेम का बना मीन, एम ई ए एन. सी एक्सेप्ट द रिंग. उसने रिंग एक्सेप्ट कर ली विथ अ वाइड ब्लैंक ऑन हर फेस. उसके मुंह पर क्या आया? बड़ा सा ग्रेन मतलब नूर आया. रिंग का क्या बना? ग्रेन, जी आर आई एन लिखा. नेक्स्ट, टू स्टे अप लेट एट नाइट इज नॉट अ वाइज ब्लैंक टू डू. रात को देर तक रहना इज नॉट अ वाइज ब्लैंक टू डू. ये अच्छी बात नहीं है. मतलब नाइट का क्या बनेगा? थिंग, टी एच आई एन जी. एन आई जी एच का, एन आई जी एच टी का बनेगा टी एच आई एन जी, थिंग लिखा. टी एच आई एन जी. रात को देर तक जागना अच्छी बात नहीं है. नेक्स्ट, आई ड्रू अ फ्रॉग इन माई साइंस नोटबुक. मैंने साइंस की नोटबुक में फ्रॉग ड्रॉ किया. इट लुक्ड ब्लैंक. आई ड्रू का क्या बनेगा? वियर्ड. मैंने फ्रॉग बनाया लेकिन क्या बन गया? वियर्ड, डब्ल्यू आई आर ई डी लिखिए, डब्ल्यू आई आर ई डी. आई ड्रू का बना वियर्ड. ओके, नेक्स्ट, देर आर एटलीस्ट ब्लैंक वेज टू सॉल्व दिस रिडल. इस पहेली को सुलझाने के इतने रास्ते हैं. कितने हैं? देर का क्या बनेगा? थ्री, टी एच ई आर ई का बनेगा टी एच आर डबल ई. आ गए समझ में एनाग्राम मतलब? आंसर्स लिख लिए सबने? 19 और 20 दोनों चैप्टर्स के आंसर लिख लिए? समझ में आ गया? अच्छी बात है. अब आपका होमवर्क, आपको चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20 अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ओके, 19 में कैसे लिखेंगे? हर बार बताती हूँ उसी तरह से. पहले डिटेल लिखनी है, फिर आंसर. ऑप्शन नहीं, पूरा नेम. इट्स नेम मीन्स फास्ट और क्विक, तो आंसर में आएगा स्विफ्ट. एफ नहीं लिखना है, एफ में जो नेम है वो लिखना है स्विफ्ट. आया समझ में? उसी तरह से चैप्टर नंबर 20 सब 1 से 15 तक आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू.